हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो लास्ट वीडियो में टारगेट्स बताए थे वो फिर से वहीं पे आ गया, अचीव हो गए अपने, क्योंकि स्टॉक में ये हर्डल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप देखें यहाँ पे 78 के ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे हर्डल देखने को मिले हैं 4-5 दिन कंसिस्टेंटली, अब भी वही हो रहा है। ये फॉल आया निफ्टी का 20 दिसंबर, उसके बाद रिकवरी हुई है और रिकवरी होते होते थोड़ा समय लग गया और 76 और 78 आज देखने को मिला है अपन को। तो अब आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में कहीं ना कहीं ऊपर रिवर्सल आने शुरू हो चुके हैं कई बार, और कंसिस्टेंटली वनडे टीएफ थोड़ा यहाँ पे दिक्कत देते हुए देखने को मिला। अगर अदरवाइज वीकली आप देखें तो अभी भी बुलिश है, मंथली भी बुलिश है, स्टॉक में सही चल रहा है। और यहाँ से अगर स्टॉक के रिटर्न्स पर कैप्चर करें आप इसी लेवल से 8 दिसंबर से, तो स्टॉक ने अभी तक 33% के रिटर्न्स निकाल दिए हैं। बस दिक्कत अभी आ रही है वो 78 की है। तो कल अगर स्टॉक स्टेबल रहता है, निफ्टी भी सही चलता है, तो कल जो पहला टारगेट अपना ऊपर की दिशा में रहेगा वो 78 सस्टेन करने के बाद होगा 79.80। ये सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा अपना 82 के बाद अपना होगा 85। तो यहीं तक के टारगेट लेके चल रहे हैं। 85 सस्टेन हो जाएगा तो ऑब्वियसली 90, 95, 100 ऐसे जाएगा, बट यही अपने टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल रहे हैं क्योंकि स्टॉक थोड़ा अंडर प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी आप देखें स्टॉक में सपोर्ट की जो बात करें कि सपोर्ट कहाँ होगा, कि अगर फॉल करता है तो सपोर्ट अपना बनेगा 75 पे पहला। 75 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये अपना पहला सपोर्ट है नीचे की दिशा में। दूसरा सपोर्ट जहाँ से आज बुलिश हुआ 73, और तीसरा सपोर्ट अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो वो होगा अपना 71। तो ये तीन सपोर्ट होगा अपने नीचे की दिशा में, और यहाँ अपने सपोर्ट्स काम करते हुए देखेंगे। अगर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो अपना पहला टारगेट है 79.85, देन 82, देन 85, ऐसे चलते हुए ऊपर की दिशा पकड़ेगा स्टॉक। बस समझदारी यहाँ दिखाई है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई है और जीएमआर थोड़ा अंडर प्रेशर दिख रहा है सेलर साइड से। तो अगर सेलर साइड थोड़ा ज़्यादा एक्टिवनेस देखने को मिलेगी तो जीएमआर जल्दी टूट के नीचे आएगा। तो वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करिए जीएमआर में, क्योंकि हमेशा मैं बोलता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हूँ, बट एक्सक्लूसिवली कुछ स्टॉक के लिए बोलता हूँ। तो जैसे जीएमआर हो गया, शिफ्ट करते जाइए, हडको हो गया, हडको ने बहुत भयंकर रैली दिखाई है आज और कल भी अच्छा चला, तो वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो इन स्टॉक्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि अगर यहाँ अनस्टेबिलिटी आती है तो आपके रिटर्न्स अनस्टेबल होने में समय नहीं लगता है। बाकी स्टॉक में 6 दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी, अगर आप देखें तो जीएमआर की जो न्यूज़ थी, इंडियाज़ जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा अपॉन एग्रीमेंट विथ NIIF। अब NIIF है विथ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और यहाँ पे जो एग्रीमेंट है कि NIIF टू इन्वेस्ट अप टू 6.75 बिलियन रुपीज़ इन द अपकमिंग ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश बींग डेवलप बाय को कंपनीज यूनिट जीएमआर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एक और एयरपोर्ट बन रहा है आंध्र प्रदेश में, और उसके वजह से ये पोटेंशियल अपन को 6 दिन पहले देखने को मिला था जो कि यहाँ था, उसके बाद फिर से फॉल आया था। तो अभी भी आप देखें न्यूज़ का उतना अफेक्ट पड़ नहीं रहा है स्टॉक पर, सेलर ज़्यादा एक्टिव है 78 पे। तो जब तक 80 सस्टेन नहीं होता है तो कोई बाय मत करिए, 80 सस्टेन हो जाएगा तब फिर बाय करिएगा, तो फिर टारगेट्स सही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ी खिचड़ी सी पक रखी है स्टॉक में, तो यहाँ पे ये थोड़ा बायर्स को पोटेंशियल दिखाने दीजिए, निकलेगा जब स्टॉक ऊपर तब बाय करिएगा 80s पे। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ़।